दोस्तों इस वीडियो में जिस डैम को आप देख रहे हैं इसका नाम है द थ्री गॉर्जियस डैम जो कि चाइना में है। इस डैम को 2004 में बना दिया गया था और इस डैम का वेट इतना ज्यादा है कि सिर्फ हम और आप इसे सोच ही सकते हैं, जो कि 4,63,000 मेट्रिक टन है और ये इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे भारी चीजों में से एक है। ये इतना भारी है कि इसने हमारे अर्थ के रोटेशन की स्पीड को कुछ माइक्रोसेकंड्स कम कर दिया है। क्यों हैरान हो गए ये सुनने के बाद? अभी आपको और हैरानी होने वाली है। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स के एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये सामने आया है कि हमारे अर्थ के रोटेशन स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज चली जा रही है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि इसके पीछे आखिर क्या रीजन हो सकता है और ऐसा क्यों हो रहा है, तो जानने के लिए बने रहें इस वीडियो में। दोस्तों हमारा एक दिन हमारे हिसाब से कितने घंटे का होता है? ऑब्वियसली 24 घंटे का, लेकिन अगर हम कंप्यूटर के अकॉर्डिंग चलें तो हमारा एक दिन 86,400 सेकंड का होगा। लेकिन आखिर कंप्यूटर सेकंड्स में ही टाइम को क्यों मेजर करता है? ताकि कंप्यूटर को डेटा अरेंज करके आउटपुट देने में इजी हो। और साइंस एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये एक एक सेकंड्स ही काफी ज्यादा रिलायबल है किसी भी इंफॉर्मेशन का आउटपुट देने में। सिंपल भाषा में इन सेकंड को ही यूज करके हमें एक परफेक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। और अगर बात करें आज के समय की, तो हमारे अर्थ की रोटेशन स्पीड कभी कभी तेज हो जाती है और कभी कभी स्लो हो जाती है। और ऐसा आखिर होता क्यों है? इस चीज का पता लगाने के लिए हमें पहले उन चीजों पर ध्यान देना होगा कि आखिर हमारे अर्थ की रोटेशन स्पीड किन किन चीजों से इफेक्ट होती है। इसे सुनकर आपके मन में ये आया होगा कि इसके पीछे हमारा मून हो सकता है, जो कि सही भी है। लेकिन मून के एक्सटर्नल फोर्सेस के अलावा हमारे अर्थ के अंदर भी ऐसी कई सारी चीजें मौजूद हैं जो हमारे अर्थ के रोटेशन को काफी ज्यादा स्लो या फिर काफी ज्यादा फास्ट करने में जिम्मेदार है। जैसे कि अर्थ के अंदर होने वाली कोर मेंटल कपलिंग, सिज्मिक एक्टिविटी, ग्लेशियर्स, वेदर, ओशंस एंड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स कि हमारी अर्थ पर चीजों का मास टोपोग्राफी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली इक्विटेबल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी भी लोकेशन में उसके टोपोग्राफी के हिसाब से हायर डेंसिटी के साथ बहुत ही ज्यादा मास को एक जगह डाल दिया जाता है, तो हमारी अर्थ पर कहीं ना कहीं उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ बढ़ जाता है और साथ ही साथ हमारी अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अनबैलेंस हो जाता है। ऐसे समझिए कि अगर आपने कभी अपने कार के व्हील को बैलेंसिंग करवाया है, तो आपने ये देखा होगा कि वर्कर आपके कार के व्हील के अंदर थोड़े बहुत वेट्स ऐड कर देता है ताकि आपके कार का व्हील चलते टाइम वबल ना करे। और ऐसा ही हमारे अर्थ के साथ हल्की फुल्की वबलिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ की रोटेशन कभी कभी फास्ट या फिर कभी कभी स्लो देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी अर्थ को ही बैलेंसिंग करने में लग जाएं। ये तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अर्थ की स्पीड की रोटेशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे मून का ही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मून हमारी अर्थ से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जिस वजह से हमारी अर्थ एक्सटेंसिव फोर्स के अंडर ना होने के कारण अपनी स्पीड खोती जा रही है। अगर एक एक्यूरेट फिगर के साथ इसे देखें तो हमारे दिन का ड्यूरेशन 1.8 मिलीसेकंड्स बढ़ जाता है। और अगर इसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ के पिछले 600 मिलियन ईयर्स पहले का टाइम मेजर किया जाए, तो हमारी अर्थ का टाइम सिर्फ 21 घंटे हुआ करता था, जो कि काफी ज्यादा चौंका देने वाली बात है। दोस्तों अगर इस लॉजिक के हिसाब से इसे देखा जाए तो हमारे दिन का ड्यूरेशन तो बढ़ जाना चाहिए। लेकिन साल 1970s के वक्त एस्ट्रोनॉमर्स देख रहे थे कि किसी अननोन कंडीशंस की वजह से कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम एंड इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम के बीच का डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन इससे पहले कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम वो टाइम है जहां हमारी अर्थ पर लोगों द्वारा यूज किया गया टाइम इंडिकेट करता है, और इंटरनेशनल एटॉमिक टाइम वो है जो हमारे अर्थ के रोटेशन होने के साथ चलता रहता है। एंड यूजुअली इन दोनों टाइम्स को हमेशा एक साथ चलना चाहिए। एंड गेस व्हाट, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया था, और इसीलिए साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कैसे कम किया जाए। और इसी के चलते इंट्रोड्यूस कराया गया लीप सेकंड को, और साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर इन दोनों के टाइम के बीच में एक सेकंड भी एक्सीड करता है, तो साइंटिस्ट कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम में अपनी तरफ से एक सेकंड बढ़ा देंगे ताकि इन दोनों टाइम के बीच में बैलेंस एकदम मेंटेन रहे। और इस बढ़ा देने वाले एक सेकंड को ही लीप सेकंड कहा जाता है। ये बात 30 जून 1972 की, जब पहली बार साइंटिस्ट ने लीप सेकंड को यूज में लिया था। और उस टाइम साइंटिस्ट ने ये सोचा कि आने वाले कई सालों तक इस लीप सेकंड को इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सुनकर आप हैरान होने वाले हैं कि इसके बाद से हमारी अर्थ की रोटेशन स्पीड कंटिन्यूअसली इतनी ज्यादा स्लो होने लगी कि जहां पहले साइंटिस्ट के हिसाब से दूसरा लीप सेकंड को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी, वहीं आज ईयर 2023 में 27 लीप सेकंड्स ऐड किए जा चुके हैं, जो कि साफ साफ शो करता है कि हमारी अर्थ आज कितनी तेजी से चेंज हो रही है। दोस्तों हमारी अर्थ के साथ न जाने दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। क्या इसके पीछे हम ह्यूमंस की गलती है या फिर किसी और की? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।